इल्म होगा कि टोक क्या है और टॉक जो ए, एक वन वी टेक इट एज़ आ रेडियो फॉर्मट उस वक्त हम जब टॉक का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है उसकी जो एक मीनिंग है वो क्या है और उसके अलावा उसके जो सेंशल्स हैं उसके लवाजमात कौन कौन से हैं इसके बाद पिछले लेक्चर में हमने फीचर को एज फॉर्मट ऑफ रेडियो प्रोडक्शन लिया और फीचर के बारे में जिस तरह के मैंने आपको बताया था के फीचर जब हम बात करते हैं तो इसमें किसी भी शख्सियत का या किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का कोई एक ख़ास पहलू ऐसा होता है कि जिसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते हैं और उसके बाद हम अपने स्क्रिप्ट राइटर से उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और उसके बाद हम उसे प्रोड्यूस करते हैं और फीचर की प्रोडक्शन में जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है उसमें सबसे पहले तो ऑबियसली स्क्रिप्ट है और इसके अलावा साउंड अफेक्ट्स की हमें ज़रूरत पेश आती है और अगर फीचर की डिमांड है तो वहाँ पे हम नग़मा भी कोई बीच में लग सकता है या एक से ज़्यादा नग़मे भी उसमें लग सकते हैं या मिली नग़मे जो हैं वो भी उस फीचर का हिस्सा बन सकते हैं अगर आ, जो फ़ीचर है वो किसी आ, कौमी हीरो के बारे में है जिस तरह के कायद अजम रहा हैं उनकी शख्सियत के किसी पहलू को उजागर किया जा रहा है तो उसमें जो आपका स्क्रिप्ट राइटर है उसकी कोशिश होगी कि वो इस तरह से उसकी निटिंग करें स्क्रिप्ट की कि उसमें कायद अज़म से मुतल कोई नगमा लग सकता हो इसके अलावा अगर हम शख्सियती फीचर की बात करें तो एक और अहम नाम जो कि हमारी मुल्कि तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है और उसके बगैर जो पाकिस्तान की तहरीक है वह मुकम्मल नहीं होती क्योंकि यही वो शख्सियत है कि जिसने पाकिस्तान का तसवर पेश किया जी हाँ मैं मैंमा मोहम्मद इकबाल रहम की बात कर रहा हूँ अगर आपा इकबाल की ज़िंदगी का कोई अहम हिस्सा जो है या उनकी ज़िंदगी का कोई पहलू उनकी सोच का उनके फलसफे का कोई पहलू आप उजागर करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस उन्होंने जो खुद ही का एक पैगाम दिया या उन्होंने पाकिस्तान का जो तसर पेश किया उस हवाले से अगर आप अपने फीचर का मौजू बनाना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रिप्ट राइटर से डिस्कस करेंगे और उसे कहेंगे कि आप खुद ही के हवाले से कि जो अलामा इकबाल की एक सोच है उसको मद्द नज़र रखते हुए आप एक फ़ीचर लिखिए जिसके ड्यूरेशन जो है दस मिनट या पंद्रह मिनट हो या जितना भी जो एक रिक्वायर्ड उसका ड्यूरेशन है उसके मुताबिक तो आप उसे ये भी कहेंगे कि आप इसमें यह मार्जन ज़रूर रखिये कि इसमें नरेशन के अलावा जो अलामा इकबाल की मुख्तलिफ नज़में हैं या उनके मुख्तलिफ़ अशार हैं जो कि ख़ुद ही के फलसफे को उजागर करते हैं वो भी उसका एक हिस्सा बन सकें अमामा अकबाल की जो नज़में हैं ये मुख्तलिफ़ सिंगर्स ने गाई हैं बाकायदा इनकी कम्पोज़िशन बनी हैं और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी उनकी नज़म नहीं है कि जो कम्पोज़ हुई हो और किसी सिंगर ने गई हो आप वहाँ पर किसी बहुत अच्छी आवाज़ में मेल वॉइस भी हो सकती है और फीमेल वॉइस भी हो सकती है उसमें आप उनकी लफ्ज़ में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तहतुल लफ्ज़ का मतलब ये है कि आपने एक नज़्म रिकॉर्ड की है या शेर रिकॉर्ड किया है जो कि बगैर म्यूज़िक के है और उसमें किसी भी किस्म का कोई जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि जो उस नज़म को पढ़ने वाला है वो अपनी आवाज में और अपनी आवाज़ के जो उतार चढ़ाव हैं जो इंटरनेशन पैटर्न है उसके जो अप्स एंड डाउनस हैं उसके ज़रिए से वो जो एक नज़्म है या जो शेर है उसे बहुत ख़ूबसूरती के साथ अदा करता है इसको हम तहतुल्लफ़ में किसी नज़्म या किसी शेर का पढ़ना कहते हैं इकबाल के हवाले से ही अगर बात करें तोबाल के जो मुख्तफ उनकी तकरीरों के हिस्से हैं जो कि यकी तौर पर हमारे पास रिकॉर्डिड शेप में नहीं है लेकिन वो भी हिस्सा बन सकते हैं फीचर का कि एक तो नरेटर है कि जिसने जो मेन स्क्रिप्ट है वो पढ़ रहा है जिसे हम रवी कहते हैं लेकिन इसके अलावा किसी और आवाज़ में आपा इकबाल की जो तकारीर हमारे पास रिटन फॉम में महफूज हैं आप उन्हें भी तहतुल लफ्स में पढ़वा के उसका जो आपका फीचर है उसका हिस्सा बना सकते हैं इसी तरह कायद अजम के हवाले से भी कहूँगा कियद अज़म की जो तकारीर हमारे पास महफूज हैं उनके जो इर्शादा हमारे पास महफूज हैं वो भी फीचर का हिस्सा बन सकते हैं इसके अलावा फीचर के जो दीगर मौजूद थे मैंने आपको बताया कि आपके माशरे में जा बजा मुख्तफ़ मौजुआत बिखरे हुए हैं उसमें आपके जो सोशल ईश्यूज़ हैं उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं उनके ऊपर आप फीचर लिखवा सकते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से विमेन के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से आप बात कर सकते हैं ओवर पॉपुलेशन के हवाले से आप बात कर सकते हैं लेकिन फीचर जब आपने तैयार करना है तो उसमें सबसे अहम चीज जो आपने मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि इसमें जो साउंड साउंडफेक्ट्स हैं वो यकीनी तौर पर होने चाहिए और इसके अलावा अगर कोई नगमा उसका हिस्सा बन सकता है तो वह भी उसका हिस्सा बने लेकिन इसमें जो एक्चुअल वॉइस है किसी शख्सियत की वो अगर तो आपके पास है तो देय वेल एंड गुड लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास वो वॉइस नहीं है तो फिर आप वो फ़ीचर नहीं तैयार कर सकते बल्कि आप उसके जो अफकार हैं या उसकी जो सोच है उसको आप अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं जो कि आपका जो नरेटर है उसे रीड आउट करेगा फ़ीचर के हवाले से ही एक और चीज़ हमने पढ़ी देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फीचर एक नगरटिव फीचर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें आप जो स्क्रिप्ट लिखवाते हैं वो आपके जो रावी हैं जिसे हम नरेटर कहते हैं वो रीड आउट करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन देना मकसूद है उस फीचर के जरिए से वो सारी की सारी निट होती है स्क्रिप्ट में और स्क्रिप्ट जो है आपके जो नरेटर्स हैं वो रीड आउट करते हैं और जो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो उस स्क्रिप्ट के ज़रिए से लोगों तक पहुँचती है इसके अलावा एक और फीचर की टाइप हमने पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक फीचर और ड्रामेटिक फीचर में मैंने आपको बताया था कि उसमें आप करटर्स जो हैं वो बनाते हैं मुख्तलफ जो आपके माशरे में इर्द गिर्द किरदार बिखरे हुए हैं उन्हीं में से आप किरदार चुनते हैं और आपका जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उन कैरेक्टर्स के जरिए से डायलॉग्स कहलवाता है और वो जो डायलॉग्स हैं वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपने अपने सुनने वालों तक पहुंचानी है वो डायलॉग्स के जरिए से एक दूसरे को बताते हैं यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं दे आर नाट टोकन टू लिसनर्स रदर दे आर टोकन टू ईच अदर और एक दूसरे को जब مختلف मुख्तलिफ मुकालमा جو ہیں وہ वो کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے نیچرلی اینڈ लॉजिकली جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں تک कन्वे ہوتی ہے एक जो ड्रामेटिक फीचर है उसके हवाले से आई ड्रू अड ऑफ डिस्टिंगशन बिटवीन ड्रामेटिक फीचर एंड ड्रामा वो ये था कि जो ड्रामेटिक फीचर है उसमें आप किसी भी किस्म के जो स्क्रिप्ट के हवाले से आप उसमें कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं करते कि जिसमें आपको फील हो कि यहाँ पे बकायदा तौर पे एक ड्रामा जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें कोई अप्स एंड डाउनस नहीं होते सिचुएशंस जो हैं उनमें ड्रामेटिक नहीं होती और उसमें किसी भी किस्म का क्लाइमेक्स नहीं होता आप उसका आगाज जो है वो एक ड्रामा की सूरत में नहीं करते कि जिसमें आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनका तारुफ करवाते हैं पहले उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है उसके बाद कहानी जो है बाकायदा तौर पर वो आगे बढ़ती है और मुख्तफ टर्नस लेके कहानी अपने मनत की अनजाम की तरफ गामजन होती है उसमें एक जो एक अहम जगह आती है जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं फीचर में क्लाइमैक्स नहीं है उसके बाद जो एक एंटी क्लाइमैक्स है या उसकी जो क्लोजिंग है फीचर में वो भी नहीं होती फीचर जो है ये बेसिकली इसमें सिर्फ डायलॉग्स हैं एक सिचुएशन आपने क्रिएट की है और उस सिचुएशन में आप अपने सामयीन को लेकर के एंटर होते हैं और गुफ्तगु के दौरान ही उन्हें पता चलता है कि यह जो किरदार हैं ये बेसिकली इनका ताल्लुक आपके माशरे के किस हिस्से से है और उन डायलॉग्स के जरिए से ही आपकी बात जो है वो उन लोगों तक पहुंच रही है इसमें अप्स एंड डाउन नहीं है इसमें कोई क्लाइमैक्स नहीं है और इसमें किसी भी किस्म का जो कॉन्फ्लिक्ट दैट इज एक्चुअली द वेरी एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा ड्रामा की टक्नीक का जो बुनियादी अंसर है वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट का होना है किरदारों के दरम्यान कॉन्फ्लिक्ट होता है या मुख्तलफ़ चीज़ों के दरमियान तो फ्यूचर में ये चीज़ नहीं है लेकिन फीचर में जो डायलॉग्स हैं उनके जरिए से हो सकता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर इंस्टेंस यू आर टॉकिंग अबाउट पोलूशन उसमें आपने एक किरदार ऐसा बनाया है कि जो गंदगी जो है वो फैलाता है और दूसरा जो आपका किरदार है वो उसको समझाता है कि यार ये जो आप काम कर रहे हैं ये कोई अच्छा नहीं है लाइक दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दैट दिस इज द मेन मैसेज ऑफ दैट फीचर कि आप चाहते हैं कि पुल्यूशन जो है वो ना फैले और लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि पोल्यूशन की वजह से जो दुनिया है और जो हमारा माहौल है वो कितनी आ, कह लें बुराइयों का शिकार हो रहा है या कितने प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है बहुत सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है डायलॉग्स में ये बहुत गंभीर किस्म का नहीं है कि जिसे आप कहें कि ये एक ड्रामेटिक सिचुएशन है और उसके बाद जो स्टोरी है वो डेवलप होगी एंड इट वुड लीड टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ क्लाइमेक्स और उसके बाद उसका एक एंड हो जाएगा लाइक दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फीचर ड्रामेटिक फीचर एंड अ ड्रामा ड्रामेटिक फीचर के साथ ही एक हमने नरेटिव फीचर पढ़ा था और नरेटिव फीचर के जो करीब तीन एक और फॉर्मट है उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री और फीचर में क्या फर्क है ये आपको आगे चल के पता चलेगा क्योंकि अभी हमने डॉक्यूमेंट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ा डॉक्यूमेंट्री एक ऐसा लफ्ज है कि जो आपने अपनी जिंदगी में बहुत मरतबा सुना होगा आप टी देखते हैं वहां पर आपको पता चलता है कि एक फलाम मौजू है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है या आप रेडियो सुनते हैं तो वहां पर भी मुख्तलिफ इशूज पे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर जाती है नेरेटिव फीचर इज वेरी मच क्लोसर टू डॉक्यूमेंट्री बट एक्चुअली दिज टू आर वेरी डिस्टिंक्ट खाइड ऑफ फोमर्स रेडियो फॉमर्स और जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि फीचर जो है एक्चुअली ये रेडियो का एक uh, फोमट है लेकिन डॉक्यूमेंट्री इसका कैनवास बहुत वसी है इसे आप रेडियो के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इसे आप टेलीविजन के लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री को आप जो एक सिल्वर स्क्रीन है जिसे हम सिनेमा हॉल्स कहते हैं आप उसके लिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके जरिए आप किसी शख्स किसी जगह या किसी इवेंट के बारे में या किसी भी इशू के बारे में आप एक ऐसी गुफ्तु करते हैं आप एक ऐसे तरीके से लोगों तक बात पहुंचाते हैं कि लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं कॉज व्हाट यू आर गिविंग इन दैट वेरी फॉर्मेट जिसे हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं उसमें आप थ्रू एविडेंसेस बात कर रहे हैं उसमें आप प्रूफ्स दे रहे हैं बकायदा तौर के ऊपर और इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट्री कहते हैं डॉक्यूमेंट्री बुनियादी तौर पर दो लफ्जों का मुरकब है इट इज अ कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स एक तो डॉक्यूमेंट एक लफ्ज आपने सुना है डॉक्यूमेंट के बारे में आप जानते हैं कि ये एक ऐसी दस्तावेज को कहते हैं कि जिसको एक सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है ये एक ऐसी दस्तावेज है कि जिसमें आप किसी भी हवाले से जब बात करते हैं तो जो उस दस्तावेज को देखने वाला है ही कम्स टू नो दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट और ये एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है और इसकी जो ऑथेंटिसिटी है इट कैन नॉट बी चैलेंज एट लीस्ट वेरी इजीली अगर चैलेंज की भी जाएगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुतबादल सबूतों की ज़रूरत होगी प्रूफ्स की ज़रूरत होगी एविडेंसिस की ज़रूरत होगी और वह एविडेंस ऐसे होंगे कि जिनकी सच्चाई में आपके पास जो विटनेस हैं वो उससे ज्यादा हैं कि जो आपने अपनी डाक्यूमेंट्री में शामिल किए हैं तभी वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो चैलेंज हो सकती है अदरवाइज देर इजन एनी वे टू चैलेंज एनी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में और एक तहरीर में यही फर्क है कि जो तहरीर है वो किसी भी शख्स की हो सकती है उसका जी नुकता नजर हो सकता है उसका अपना एक जाती ख्याल हो सकता है उसकी जाती सोच हो सकती है लेकिन जब आप बात करते हैं कि इट इज अ डॉक्यूमेंट इट मीनस दैट वट हैज बिन पुट इन दैट डॉक्यूमेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज और उसमें जो भी आपने फ्लैक्स एंड फिगर्स दिए हैं उन्हें डिनाई करना इतना ज्यादा आसान काम नहीं है डॉक्यूमेंट जो लफ्ज है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड है जिसे आप डुकियर कहते हैं डी एव सी ई आर ई ये वहां से ड्राइव किया गया है जिसके लफ्सी मतलब भी यही है कि इट इज अ खाइंड ऑफ प्रूफ और इट इज अ खाइंड ऑफ एविडेंस और एक अटेस्टेड और ओथेंटिकेटेड जो एक तहरीरी फॉर्म में एक आपके पास मटीरियल है

लेकिन जब आप बात करते हैं इसको इंग्लिश में इसका मुतबाद लेते हैं तो फिर इट इज अ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो एक लफ्ज है दैट इज कमेंट्री कमेंट्री जो एक लफ्ज है इसका मतलब है कि किसी भी चीज की लफ्जी डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज को आप जब अपने लफ्जों के जरिए से उसे डिस्क्राइब करते हैं उसे एक्सप्लन करते हैं तो आपको पता चलता है कि इट इज अ खाइंड ऑफ कमेंट्री अबाउट एनी थिंग आपने मैचेस की कमेंट्री सुनी होगी मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट का या हॉकी का या कोई भी मैच है फुटबॉल का हो सकता है तो उसकी एक लाइव कमेंट्री जो है वो चल रही है लाइव कमेंट्री का मतलब ये है कि जो शख्स वो कमेंट्री कर रहा है स्पेशली रेडियो पे द पीपल हु आर लिसनिंग टू द वॉयस ऑफ दैट वेरी पर्सन हु इज डोइंग दैट कमेंट्री दे बिलीव इन हेम उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें पता है कि ये जो शख्स कमेंट्री कर रहा है फिजिकली ही एज इन द स्टेडियम और इन द ग्राउंड एंड वट ही इज डिस्क्राइबिंग इन द शेप ऑफ वर्ड्स एक्चुअली ही इज सींग ऑल दैट वो जो भी सीन वहां पर है जो भी वहां पर कार्रवाई हो रही है वो शख्स अपनी आंखों से उसे देख रहा है और अपनी आंखों से देख के जो जो भी उसमें तब्दीलियां हो रही हैं सिचुएशन में किसी मैच की सिचुएशन में वो अपने लफ्जों में उसे बयान करता चला जा रहा है आपको पता चलता है कि चूंकि ये शख्स वहाँ पे मौजूद है और जो कुछ इसके सामने हो रहा है ये इट इज अं डॉक्यूमेंट्री और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि अल्टीमेटली द थिंग्स वुड बी वेरीफाइड आफ्टरवर्ड्स मीडिया जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूँ और आप भी जानते हैं कि इतना एक्सपेंड कर चुका है कि यहाँ पे एक खबर को वेरीफाई करने के लिए दस मुख्तलफ चैनल्स जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं अब तक उसी खबर को पहुंचा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि जो कमेंट्री है एक्चुअली इट इज वेरी ऑथेंटिक काइंड ऑफ सिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग इसको जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने इन दोनों लफ्जों को आपस में कंबाइन किया डॉक्यूमेंट एंड कमेंट्री और यहां से एक नई सिंफ का आगाज हुआ एक नई सिंफ के बारे में लोगों को पता चला या कह लीजिए कि एक नई सिंफ जो है वो इन्वेंट की गई जिसे आप डॉक्यूमेंट्री कहते हैं यहां पे थोड़ा सा मैं फ़र्क वाजे करूंगा जो एक नैरेटिव फीचर है और एक जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें कि नैरेटिव फीचर में यू डू नॉट गिव प्रूफ इन दैट यू डो नोट गिव डॉक्यूमेंट्स इन दैट उसमें आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स नहीं है आपका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने किसी भी शख्स के बारे में जो फील किया है और जो अमूमी तौर पे सच समझा जाता है वो उसने कलम बंद किया है या उसने उस चीज की अकासी की है कि जो किसी भी शख्सियत के बारे में लोग जो हैं वो समझते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्री में जब तक आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑथेंटिकेटेड नहीं करेंगे आप उसे टेस्टेड नहीं करेंगे किसी भी जरिए से तब तक आपकी जो डॉक्यूमेंट्री है इट विल नॉट बी खोल्ड अ डॉक्यूमेंट्री बल्कि ये एक सादा फीचर ही रह जाएगा और लोग इसे फीचर ही कहेंगे प्रूफ्स हासिल करने का जो एक तरीका है कि किस तरह से आपने लोगों को बताना है उन्हें यकीन दिलाना है कि जो भी बात आपने कही है किसी शख्सियत के बारे में या किसी फिनमिनम के बारे में या किसी भी इशू के बारे में वो हाउ दे वोट बिलीव इन इन इट उसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी प्रूफ्स हैं वो आपने तलाश करने हैं डॉक्यूमेंट अब एक बहुत वसी मतलब में इसको इस्तेमाल किया जाता है आपने ये हरगिज नहीं समझना कि अब जो डॉक्यूमेंट है दैट इज जस्ट रिटन शेप ऑफ एनीथिंग। बल्कि अब जो डॉक्यूमेंट का मीनिंग है विद द इमरजेंस ऑफ मीडिया और मीडिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं इसमें अब रेडियो भी आ चुका है इसमें अब टेलीविजन भी आ चुका है इसमें रेडियो जिस तरह के आप जानते हैं कि आवाज़ के जरिए से आप बात लोगों तक पहुँचाते हैं और टी वी जो है उसमें आप तस्वीर के जरिए से और आवाज़ के जरिए से एक आप एक इमतज़ाज करते हैं और अपनी बात आप लोगों तक पहुँचाते हैं तो अब डॉक्यूमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड आइटम भी है पहले जो एक रिटन शेप होती थी डॉक्यूमेंट की सिर्फ वही होती थी समथेंग इन ब्लैक एंड वाइट एंड इट इज वेरी ऑथेंटिकेटकेटेड काइंड ऑफ थिंग इट इज अ टेस्टेड थिंग दैट इज डॉक्यूमेंट इट यूज टू बी अ डॉक्यूमेंट बट नाउ जो भी आपने चीज रिकॉर्ड कर ली है आपने किसी शख्स का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है और उसकी राय आपने जानी है किसी भी इशू के बारे में तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे अब वो शख्स खुद भी चाहे तो जुटला नहीं सकता क्योंकि आपने उसकी अपनी आवाज में उसकी राय को किसी भी चीज के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में रिकॉर्ड कर लिया है अब अगर वो चाहे कि जनाब मैंने तो ये वाली बात नहीं कही थी लेकिन ही कैन नाट डो एट ही हैज नॉट गॉट एनी अदर ऑप्शन नाव अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अलावा जो एक अहम चीज है डॉक्यूमेंट्री के हवाले से दैट इज वट इज दर्पज ऑफ डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री जो है उसका बुनियादी मकसद क्या है इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि फीचर की मौजूदगी में आप एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं ऑबियस बात है कि जो फीचर है उसमें आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं दे रहे बल्कि वो हो सकता है कि लोग समझें कि ये राइटर की अपनी सोच है इसका एक अपना बैंट ऑफ माइंड है टू वर्ड्स एनी पर्सनैलिटी और टू वर्ड एनी मैटर और टू वर्ड एनी इशू लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो उसमें जो आपका स्क्रिप्ट राइटर है उसका काम सिर्फ ये है कि उसने चीज़ों को अरेंज किया है एक बहुत खूबसूरत तरीके के साथ एक बैलेंस्ड वे वे में और जो एक प्रोड्यूसर है उसने उस स्क्रिप्ट को खूबसूरत किया है विद द एड ऑफ डिफरेंट साउंड अफेक्ट्स विद द एड ऑफ येस देयर माइट बी सोंग्स एज वेल लेकिन जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जो भी प्रूफ दिया है वो आपने लोगों की आवाज में दिया है आपने ये नहीं कहा कि फलाँ जो एक मामला है उसके बारे में जो फलाँ शख्सियत हैं उनकी राय ये है और उसके बाद आप अपने लफ्जों में राय जो है वो लोगों तक पहुंचा दें आपका जो नरेटर है वो लोगों तक उस आवाज को पहुंचा दे ऐसा नहीं है यहां पे जब आप ये कहते हैं कि इस मसले के बारे में इस शख्सियत ने ये कहा है और उसके बाद आप एक इंसर्शन देते हैं एक्चुअलिटी की एक्चुअलिटी जिस तरह के आप जानते हैं कि हमने जब जागन्स किए थे तो उसमें पड़ा था कि एक्चुअलिटी इज अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग इन विच द परसन

is to provide people with the information about a person thing phenomenon event etc with the help of facts figures and evidences a documentary attempts to offer authentication of what is otherwise speculation through the recordings of the informants witnesses participants etc डॉक्यूमेंट्री के जो पर्पज़ है वो आपके सामने आया कि डॉक्यूमेंट्री का बुनियादी तौर पर मकसद जो है वो ये है कि आप किसी शख्स के बारे में किसी जगह के बारे में या किसी इवेंट के बारे में या नेचर में जो मुख्तलफ मुजाहिर आपको चारों तरफ नज़र आते हैं जो जिसे हम कहते हैं कि फिनिना उसके बारे में आप बात लोगों तक पहुँचाते हैं और आप इसको सपोर्ट करते हैं अपने जो प्रूफ्स हैं जो एविडेंसेस हैं उनके ज़रिए से और ये प्रूफ्स जो हैं ये विटनेसेस की आवाज़ की सूरत में हो सकते हैं आपके जो इन्फॉम्स हैं उनकी आवाज़ की सूरत में भी हो सकते हैं और इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है कि जो कि इट इज़ इन शेप ऑफ़ अ पीस ऑफ पेपर उसे रीड आउट भी किया जा सकता है लेकिन वहाँ पर उसका हवाला देना बहुत ज़रूरी है ड्यूमेंट्री की दीगर तफसीला जो हैं ये हम पढ़ते हैं लेकिन आपको मजा आएगा ये जान के डॉक्यूमेंट्री जो है इसका आगाज कब हुआ कहाँ से हुआ और किस तरह से डॉक्यूमेंट्री जो है बाकायदा तौर पर आज की जो एक मौजूदा सूरत है जिसमें आपको नजर आती है ये यहां तक कैसे पहुंची जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि एक लैटिन वर्ड है डोसियर वहाँ से सत्रह सौ ग्यारह में इस लफ्ज़ को इम्पोर्ट किया गया इंग्लिश लैंगवेज में और इसे बाकायदा तौर पर डॉक्यमेंट कहा जाने लगा और डॉक्यूमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ सबसे पहले जो ऑबियसली जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है इट वॉज़ देयर इन द वर्ल्ड सत्रह सौ ग्यारह में भी जो एक प्रिंट मीडियम है वही दुनिया में पाया जाता था ख़बरों की तरसील का एक ज़रिया था इंफॉर्मेशन की तरसील का ज़रिया जो था वो अखबार थे या किताबें थीं। तो डॉक्यूमेंट के हवाले से किसी भी जगह पे अगर कोई वाक़ रूना हो जाता या किसी शख्सियत के बारे में लोगों को कुछ बताना होता तो उस हवाले से एक तहरीर लिखी जाती जिसमें उसे मुजयन किया जाता तस्वीर के जरिए से या उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसका हिस्सा बनाए जाते मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्सियत के बारे में बात लोगों तक पहुंचाना मकसूद होती तो बताया जाता कि इस शख्सियत ने फला स्कूल से तालीम हासिल की है अब सिर्फ ये कह देने से तो लोग बात के ऊपर यकीन नहीं करेंगे कि इस शख्सियत ने वाकई उस स्कूल से तालीम हासिल की है बल्कि वो तभी यकीन करेंगे कि जब आप कोई इिफ्यूटबल किस्म का उन्हें एविडेंस देंगे तो जो उस दौर के राइटर्स थे कि जो जो रिटन डॉक्यूमेंट्रीज थी वो लिखते थे न्यूज़ के लिए वो बाकायदा तौर पे ट्रैवल करते थे और वहाँ पे जाके कि जिस स्कूल में उन्हें पता चलता था कि उस शख्सियत ने वहाँ से तालीम हासिल की है वो वहाँ से वो प्रूफ हासिल करते किसी भी सर्टिफिकेट की सूरत में और वो ला के अपने उस फीचर का या अपने उस डॉक्यूमेंट्री का दैट वॉज रिटन डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली उसका हिस्सा बनाते उसके बाद 1802 में जो एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट है उसकी इमरजेंस हुई पहले इसे डॉक्यूमेंट ही कहा जाता था कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट अबाउट एनी पर्सनैलिटी और अबाउट एनी पर्सन और अबाउट एनी प्लेस और अबाउट एनी फिनमिनल लेकिन बाद में इसे डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट का दर्जा दिया गया और इट इज़ अ मैटर ऑफ एटीन टू और 1935 से कि जब टेलीविज़न भी आ चुका था रेडियो का जो मीडियम है ये भी आ चुका था तब से इसका बकायदा तौर पे आगाज़ हुआ जिसे हम आज की डॉक्यूमेंट्री कहते हैं इसका आगाज 1935 से शुरू हुआ 1935 सौ पैंतीस में मुख्तल जो दुनिया में उस वक्त वाक़ रूना हुए उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई लोगों तक एक खबर जो है वो पहुंचाई गई और उन तक जो इंफॉर्मेशन थी उसे इस तरह करके पेश किया गया कि लोग जो थे वो उसके ऊपर यकीन करने लगे और अब डॉक्यूमेंट्री जो है ये एक बहुत इम्प्रूवड और एडवांस्ड किस्म का फॉर्मेट बन चुकी है और पूरी दुनिया में जितने भी ऑडियो या वीडियो चैनल्स हैं जिस तरह के आप जानते हैं आ, रेडियो स्टेशन हैं या टी चैनल्स हैं वहाँ पे जो सबसे सोबर फॉर्मट गिना जाता है या माना जाता है मालूम की तरसील का वो डॉक्यूमेंट्री है इसमें बकायदा तौर पे स्पेशलाइजेस हो रही हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इसके लिए स्पेशल कोर्सज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं लोग वहाँ पे एडमिशन लेते हैं और बाकायदा तौर पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाने का फ़न है उसकी तालीम हाँ करते हैं और आपको बहुत अच्छी खूबसूरत मैारी और मालूम से भरपूर डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो सुनने को भी मिलती हैं और देखने को भी इसके अलावा हमारे मुल्क में तो ये एक कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिनेमा हॉल्स में डॉक्यूमेंट्रीज़ चलें लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में या मुख्तलफ़ माशरे हैं पाकिस्तान के अलावा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो सिनेमा हॉल्स में भी बाकायदा तौर पर दिखाई जाती हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद सिनेमा हॉल्स में डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए जाती है इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री में विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए शुरू शुरू में तो यूं होता था कि डॉक्यूमेंट्री जो है किसी भी चीज़ के बारे में वो सिर्फ और सिर्फ जो एक नरेटर है वो रीड आउट करता था और इसके अलावा उसमें مختلف लोगों के इंटरव्यूज़ शामिल किए जाते थे या अगर टी के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है तो वहाँ पर जो बायदा फुटिज है जिसे आप कहते हैं कि जो आपने शूट किया है किसी भी जगह का वो आप ला के अपने डॉक्यूमेंट्री का जो आप पैकेज तैयार कर रहे हैं उसका हिस्सा बनाते थे वही मिसाल दूँगा कि अगर किसी शख्सियत के बारे में आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और आपने ये बताना है कि इस शख्सियत ने तालीम फ़लां जगह से हासिल की तो उसका एक तरीका तो जिस तरह के आपको मैंने बताया कि अखबार के लिए तो आप वहाँ से कोई सर्टिफिकेट ले करके आएंगे और उसे आप अपने उस डोमेंट्स का हिस्सा बनाएंगे लेकिन बाद में जब बाकायदा तौर के ऊपर रेडियो का आगाज़ हुआ तो वहाँ उसका तरीक़ाकार ये है कि आप अपना माइक्रोफोन लेकर के आप बायदा स्कूल में जाते हैं वहाँ पे वहाँ का जो प्रिंसिपल है आप उससे भी गुफ्तू करते हैं उसके एक्सप्रेशंस आप रिकॉर्ड करते हैं उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में इसके अलावा वहाँ पर जो पुराने मुलाजमीन हैं आप उनसे भी उनकी राय हासिल करते हैं और इंटरव्यूज़ uh, करते हैं उनके इसके अलावा आपको उस शख्सियत केजा भी मिल जाते हैं कि जिन्होंने उसको पढ़ाया हुआ है जिस uh, किसी उस्ताद से उस शख्सियत ने तालीम हासिल की है आप उसका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करते हैं और उसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाते हैं अगर आप टीवी के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आप बाकायदा तौर पर अपना कैमरा वहाँ पर ले करके जाते हैं और लोगों के जो विजअल इंटरव्यूज़ हैं वो आप रिकॉर्ड करते हैं और आप अपनी डॉक्यूमेंट्री को इिफ्यूटबल डॉक्यूमेंट की शक्ल देते हैं एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात कर रहा था विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हुए वो ये कि जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जिस तरह ड्रामा और फीचर को कथा किया गया और एक ड्रामेटिक फीचर जो है वो इख्तरा उसकी की गई इसी तरह इनोवेशन लाई गई डॉक्यूमेंट्री में क्योंकि समझा जाता था चूंकि डॉक्यूमेंट्री जो है इसमें सिर्फ आप फैक्ट्स फिगर्स की बात करते हैं आप एविडेंसेस की बात करते हैं आप एक्चुअलिटी की बात करते हैं आप रियलिटी की बात करते हैं इसलिए इसमें लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता लोग जो हैं डॉक्यूमेंट्री को एक बोरिंग और सोबर सी चीज़ समझ के इग्नोर करते हैं यकीनी तौर पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री की जो एक ट्रडिशनल शेप है जो एक कन्वेंशनल शेप है वो भी देखना पसंद करते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट्री तक लाने के लिए उसमें भी एक्सपैरमेंट किया गया और एक और टर्म जिसे हम डॉक्यो ड्रामा कहते हैं उसको, उसकी इख्तरा की गई यहाँ पे भी उसी तरह के जिस तरह फीचर और ड्रामा का एक जो एक, एक इम्तज़ाज है वो किया गया उनका एक कम्बिनेशन तैयार किया गया इसी तरह डॉक्यूमेंट्री का ड्रामा के साथ एक कम्बीनीशन तैयार करके जोक्यो ड्रामा तैयार किया गया जोक्यो ड्रामा बेसिकली इसमें आप यूं करते हैं कि आप इसमें भी मुख्तलि किरदार जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो किरदार जो किसी भी शख्सियत या जगह के बारे में जो आपने एविडेंसेस लोगों तक पहुंचाने हैं वो उन किरदारों के जरिए से आप पहुँचाते हैं मिसाल के तौर पर जो आपके दो किरदार हैं वो आपस में گفتگو भी कर रहे हैं डायलाग्स भी एक दूसरे को अदा कर रहे हैं और इसके अलावा वो ट्रैवल करते हैं वो मुख्तफ़ जगहों पर जाते हैं वहाँ पर लोगों को कॉन्टेक्ट करते हैं जो कि बेसिकली आपका ऑबजेक्टिव है कि उनकी बात को आपने लोगों तक पहुँचाना है वहाँ पर लोगों को पता चल जाता है कि ये जो बात हो रही है मौजूदा शख्सियत के बारे में ये उसका उस्ताद है या ये उसकी वालदा है या ये उसका भाई है और इस तरह से आप उसमें एक इंटरेस्ट का एलिमेंट भी बेदार करते हैं आम लोगों के लिए डियर स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्री इस डेफिनेशन इट्स डिफरेंट अस्पेक्ट्स अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्री के जो टॉपिक्स हैं उन पर जिस तरह के आप जानते हैं कि जो भी आपका फॉर्मट है उसमें आपके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं कि जिन पर आप बात कर सकते हैं आप उस फॉर्मट के जरिए से उस मौजु को लोगों तक पहुँचा सकते हैं उस मौजू के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं वो उस फॉमट में स्क्रिप्ट के जरिए से निट करके आप उसे लोगों तक पहुँचाते हैं जो डॉक्यूमेंट्री है इसका कैनवास फीचर से या टॉक से बहुत वसी है इसमें आपके बेशुमार मौजूद हैं उनमें फिज़िकल मौजुआत भी हैं और इसके अलावा इंटेजिबल मौजुआत भी आप डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना सकते हैं जो फिज़िकल टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो किसी भी शख्सियत के बारे में डॉक्यूमेंट्री का तैयार किया जाना है आपकी मुख्तलिफ शख्सियात आपके माशरे में हैं कि जिनकी एक बाकायदा तौर पर अहमियत है लोग उनके बारे में जानते हैं और लोग उनके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं आपके कौमी हिरोज़ हैं मिसाल के तौर पर कायद अजम रमत लै का जिक्र जो है यहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उनकी ज़िंदगी के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं इसके अलावा मोहतरमा फातमा जिना हैं आप उनकी ज़िंदगी के हवाले से डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं अमामा मोहम्मद इकबाल के हवाले से आप डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं इसके अलावा आपके سائنسدان के वो نے के کے معاشرے کے لیے یا या اگر گلوبل لیول پہ دیکھیں تو بہت سارے सारे ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری انسانیت کے لیے بہت ज़्यादा अच्छे काम किए हैं और दुनिया उन्हें उनकी ईजादात की वजह से याद रखती है आप उनकी शख्सियत के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं इसके अलावा आपके जो मुल्क के लीडर्स हैं उनके जो ज़िंदगी है उनकी ज़िंदगी के जो मुख्त पहलू हैं उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ तैयार हो सकती हैं इसके अलावा जो स्कॉलर्स हैं आप उनके हवाले से भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं इसके अलावा प्लेयर्स किसी भी माशरे का बहुत कीमती असासा होते हैं उनकी ज़िंदगी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी भी हैं और बन भी रही हैं और बनती भी रहेंगी एक्टर्स जो हैं पूरी दुनिया में फेम हासिल करते हैं इंटरनेशनली दे आर रिकगनाइज उनकी जिंदगियों के हवाले से भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड्स भी मिले हैं इसके अलावा जो सिंगर्स हैं ये भी आपके माशरे का एक अहम हिस्सा हैं इनके हवाले से भी आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं

हिस्सा है मिसाल के तौर पे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले की ज़िंदगी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं आप एक गली की नुक्कड़ पे सब्ज़ी लगाने वाला जो एक शख्स है आप उसकी ज़िंदगी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं इसके अलावा आपको बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम करते नजर आते हैं आप किसी एक बच्चे की जिंदगी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं इसके अलावा जो मौजूद हैं पर्सनस के अलावा वो मुख्तलफ़ चीज़ें हैं मुख्तलिफ़ अशिया हैं वो कुछ कोई चीज़ आपके माशरे में जो बिखरी हुई है आपके माशरे में पाई जाती है अहम है या गैर अहम है आप उसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं मिसाल के तौर पर आपके शहर में बाज़ार जो हैं मुख्तलिफ़ आप उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं अगर वो कोई हिस्टोरिकल बाजार है उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है आप उस हवाले से लोगों से या मालूम जमा करते हैं आप उसको ऑथेंटिकेटेड करते हैं और आप उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना के आप लोगों तक पहुँचाते हैं किसी बहुत तारीखी कल के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं किसी भी बिल्डिंग के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि जिसकी किसी हवाले से उस माशरे में कोई अहमियत है इसके अलावा जो आपके शहर की सड़कें हैं गलियाँ हैं कि जो किसी न ना किसी नाम के साथ मासूम हैं आप उन सड़कों या उन गलियों पे भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं पोश एरिया से अगर आप निकल जाए तो जो डार्क स्लम्स ऑफ योर सोसाइटी हैं आप उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं बड़े बड़े शहरों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं आप मुल्कों के हवाले से भी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर आप किसी भी मुल्क को अगर आप अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसकी मसनूआत के हवाले से उसके शहरों के हवाले से उसके कल्चर के हवाले से उनके मौसमों के हवाले से वहाँ पे जो जरिए जनास हैं उसके हवाले से वहाँ की जो मस, अ, जो फैक्ट्रीज़ हैं जो कि वहाँ पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं उस हवाले से भी आप डॉक्यमेंट्रीज़ बना के आप अपने मुल्क को या अपने शहर को या अपनी गली को या अपने मोहल्ले को आप बड़े लेवल पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं के जो बकायदा तौर पे आपके माशरे में पाए जाते हैं मिसाल के तौर पे फैशन का एक मौजू है फैशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं नए ट्रेंड्स आ रहे हैं पुराने ट्रेंड्स जो हैं वो जा रहे हैं या वट आर द रीजन्ए पीपल गेट ट्रेंडी एंड वाई दे अडोप्ट डिफरेंट काइंस ऑफ फैशंस इसके अलावा जो नए ट्रेंड्स हैं उनको प्रमोट करने में जो अनासर हैं उनको आप उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना सकते हैं आप किसी किताब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कोई ऐसी किताब के जो पूरी दुनिया में या किसी ख़ास लेवल पे किसी माशरे का हिस्सा है वहाँ पे ज़्यादा पढ़ी जाती है और उस किताब के हवाले से लोग उसके बारे में उसके जो मुख्तफ पहलू हैं वो जानना चाहते हैं कि राइटर जो है कि जिसने वो किताब लिखी उसके जहन में क्या था कि उसने ये किताब लिखने पर मजबूर किया है लाइक दीज आर द टॉपिक्स विच आर स्कैटर्ड इन योर सोसाइटी यू कैन गो एंड पिकअप एनी वन आउट ऑफ ऑल दर्उ एंड यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन डैट डियर स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स के जिनके बारे में मैंने आपको बताया इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं और लोग उन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है आप उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं मिसाल के तौर पर जो मज़ाहरे फरत हैं जिसे मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट फिनना है आपके माशरे में या पूरी यूनिवर्स में पूरी कायनत में आप उनके ऊपर भी बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं ऐसी चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यकीनी तौर पर आपको बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है इसके अलावा रिसर्च की ज़रूरत है मिसाल के तौर पे आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं किसी भी ब्लूमिंग बर्ड के ऊपर कि एक फूल है वो बीज से फूल तक कैसे पहुंचा उसमें कितने मराहल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अलावा कितना अरसा दरकार होता है एक बीज को फूल तक पहुंचने में आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं और दुनिया में इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इसके अलावा दिल का जो एक फंक्शन है ये किस तरह काम करता है इसकी जो पंपिंग है ये किस तरह से होती है किस तरह ये पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है और किस तरह से खून जो है वो वापस दिल में आता है और ये किस तरह उसे प्योरीफाई करके दोबारा जिस्म को भेज देता है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है बनी भी हैं और यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में भी बनती रहेंगी इसके अलावा अगर आप साइंटिफिकली अगर आप देखें तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन सकती है कि एक जो मिसाइल है उसको बनाने में कितने मराहल से गुज़रना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं उसका रॉ मटीरियल क्या होता है उसकी जो फिनिशिंग है आखिरी मराहल में वो किस तरह से होती है और उसके बाद वह जो मिज़ाइल है उसे अपने निशान पर किस तरह से टारगेट किया जाता है इसके अलावा जो डिफरेंट डिस्कवरीज़ हैं आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं डिस्कवरीज़ के हवाले से ज़्यादा अहम डिस्कवरीज़ जो हैं वो इंसान की जो ज़मीन के ऊपर एक्जिस्टेंस है उसकी जो हिस्ट्री है उसके हवाले से जितनी भी चीज़ें लोगों ने डिस्कवर की हैं जो मुख्तलिफ रोइंस हैं जो खंडर हैं दुनिया में फैले हुए उनको जब खोदा गया तो उसमें से जो चीज़ें बरामद हुई और उससे इंसान की उम्र का अंदाज़ा हुआ और इंसान का लिंक जो है वो पुराने कल्चर्स के साथ इस्टेब्लिश हुआ और पता चला कि इंसान जो है वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ्वार में कैसे मुख्तलिफ़ हालतों से गुजरता हुआ मौजूदा हालत में पहुँचा है इसके अलावा जो कल्चर है आपके माशरे का ये किस तरह से चेंज होता है वो कौन से फैक्टर्स हैं गा? जो एक कल्चर को बनाते हैं या जिसे आपके हलेंगे बिगाड़ते हैं वो किस तरह से होते हैं इसके अलावा जो वार्स हैं जो जंगें दुनिया में लड़ी गई हैं जंगीम अव्वल जंगीम दम इसके अलावा दुनिया में और भी मुख्तु हिस्सों में मुख्तलिफ़ों में मुख्त ममालिक दरमियान जंगें होती रही हैं और होती रहेंगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं इसके अलावा जो दंगा और फसाद होते हैं जो इतने शदत अख्तियार कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी बात जो है वो पहुँच जाती है उन उस उस दंगे की या उस वाद का जो जिक्र है पूरी दुनिया में पहुँचाता है आप उसके जो हकाइक हैं उन तक पहुँचने के लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार कर सकते हैं अगर आप अपने यूनिवर्स से बाहर निकल जाएँ तो जो गलेक्सीज़ हैं मुख्तलफ़ आप उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं एक बहुत बड़ा अहम मौजू जो कि डोकोमेंट्री बनाने वालों के सामने रहा और यकीनी तौर पे इस पर बहुत काम होता भी रहेगा वो बिग बैंग थ्योरी है कि जो कायनात है वो किस तरह से वजूद में आई उसकी जो डॉक्यूमेंट्रेशन है उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है और जो प्रूफ्स हैं टूवर्ड्स डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू उनको लेके तो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई गई हैं इसके अलावा जो एक ब्लैक होल का एक कॉन्सेप्ट है कि खला में एक ब्लैक होल पाया जाता है वो क्या है उसकी हकीकत क्या है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं इसके अलावा दुनिया में समंदर के अंदर एक ऐसी जगह है कि जिसे बरमोडा ट्रायंगल कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी बहरी जहाज़ जाए या ऊपर उसके खला में से कोई भी हवाई जहाज़ गुजरे वो ग़ायब हो जाता है और जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो बन रही हैं और बनती रहेगी ये एक ऐसा सरबस्ता राज है कि जिसके ऊपर से अभी तक पर्दा नहीं उठाया जा सका मौजूआत जो हैं वो खत्म होने में नहीं आ रहे और जो लेक्चर का टाइम है वो खत्म हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, इट इज वेरी सोबर फॉर्मट और इसमें काम करने के इतने मवाक़े हैं कि आपके जो प्रोड्यूसर हजरा हैं कि जो कि डॉक्यूमेंट्रीज़ से मुतल हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनके बारे में जाना जाता है मौजूद के हवाले से ही आप, अब मैं आपको एबस्ट्रेक्ट मौजूद जो हैं उनके बारे में बताता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्री है इसका कैनवास सिर्फ चीज़ों तक महदूद नहीं है शख्सियतों तक महदूद नहीं है या डिफरेंट जो फिनना है उन तक महदूद नहीं है बल्कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें आपके माशरे में पाई जाती हैं जो एटीट्यूड हैं आप उन पे भी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं जो एबस्ट्रैक्ट चीज़ें आपके माशरे में पाई जाती हैं आ, मिसाल के तौर पे बहुत सारे रवैये ऐसे हैं कि जो बहुत मखसूस हैं उनकी वजूहात को जानने के लिए आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं मिसाल के तौर पर गुस्सा जो है एंगर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगर और फीलिंग ऑफ एंगर यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन डैट आप मुख्तल जो साइकोलॉजिस्ट हैं आप उनसे रबता करते हैं और आप उनसे बात करके आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि लोग गुस्से में क्यों आते हैं या एक शख्स जो है जब वो गुस्से में आता है तो उसका जो एक रिएक्शन है इट इज़ डिफरेंट फ्राम एन अदर पर्सन वन ही इज़ और शी इज इन एंगर ये जो डिफरेंस इन सोसाइट इन पर्सनैलिटीज़ है ये किस तरह से आ, अपना एक जो कह लें कि इजहार है वो करता है और वो कौन सी वजूहत हैं कि जो मुख्तफ शख्सियतों के दरम्यान इस तरह के जो फर्क हैं वो पैदा करती हैं इसके अलावा जो डिफरेंट फीयर्स एंड फोबियर्स हैं आप इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अंधेरे में डर लगता है दे कैन नाट एंटर इन टू डार्कनेस कमरे की अगर लाइट्स बंद हैं तो वो वहां पर नहीं जाएंगे देखने में नॉर्मल सिचुएशंस में आपको बड़े नॉर्मल लोग लगते हैं और आप कभी भी इस चीज़ को पर यकीन नहीं कर सकते कि ये जो शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है जो इतनी अच्छी गुफ्तू कर रहा है इतनी लॉजिकल गुफ्तु कर रहा है माशरे में इसका एक बहुत अहम मकाम है बाट ही फ़ियर्स टू एंटर इन अ प्लेस वेयर डार्कनेस प्रीवेल्स इसके अलावा कुछ फीयर्स ऐसे हैं कि लोग जो हैं वो ऊंचाई पे जाने से घबराते हैं वो नीचे नहीं देखते कि मुबादा वो गिर ना जाए लाइक like इस तरह के जो फीयर्स हैं वो आपके माशरे में पाए जाते हैं और इन फीयर्स पे बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं हिलोसिनेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्रीज के हवाले से कि एक ऐसा मंजर के जो एग्ज़स्ट नहीं करता वो एक शख्स को नजर आता है उसकी जो सोच की कुत है उसकी जो कह लें कि जो उसकी जहनी कैफियत है वहाँ पे एक मंज़र इतना रासिक हो चुका है कि वो ये समझता है कि ये जो सामने जो एक मंज़र है जो एक्चुअली उसके जहन में है वो फील करता है कि वो एक्चुअली परफॉर्म हो रहा है अगरचे वो नहीं हो रहा होता दिस काइंड ऑफ फोमिनल इज़ कॉल्ड हिलोसिनेशन के लोगों को साय नज़र आना शुरू हो जाते हैं इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारे माशरे में पाई जाती है स्पेशली इन ईस्टर्न कंट्रीज़ के आप कहते हैं कि यार उस शख़्स को साए का प्रॉब्लम हो गया है इट मीनस दैट उस पर कुछ आफात जो हैं वो आ गई हैं लाइक आप इनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं कि वो कौन सी ऐसी गैरमरई चीज़ें हैं कि जो लोगों की जहन पर हावी हो जाती है, उनके हैं उनके जो अफ़ाल हैं उनके ऊपर हावी हो जाती हैं इस तरह के जो एबस्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके पूरे माशरे में बिखरे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स एनअर चैप्टर ऑफ टॉपिक्स रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री आपके माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं डॉक्यूमेंट्री के हवाले से और जो बाकी फॉर्मर्ट्स का टॉपिक भी बन सकते हैं मिसाल के तौर पर अभी मैंने जिक्र किया था कि आप पुलुशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं कि पुल्यूशन की क्या वजूहत हैं इसको किस तरह से रोका जा सकता है आप मुख्तफ़ लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं आप जगहों से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और आप उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं और बनती रहेंगी चाइल्ड लेबर के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी है कि ये एक टॉपिक है या इस जैसे और भी कई टॉपिक्स हैं कि जिनको मज़ीद नरोडाउन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट्री में भी कोशिश कीजिए कि किसी एक खास जो एस्पेक्ट है किसी भी मसले का उसको आप लें उसे आप हाई करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बना के आप लोगों तक पहुंचाएं ख़वात के जो मुख्तफ इशूज़ हैं उनके हवाले से भी आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं इसके अलावा स्मोकिंग के हवाले से आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं कि जो स्मोकिंग है ये लोग क्यों करते हैं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं और किस तरह से बचा जा सकता है इसके अलावा नाकोटेक्स के ऊपर आप डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते हैं कि लोग नशे की जो एक बुराई है उसमें किस तरह से गिरफ्तार होते हैं नशे के किस तरह आदि होते हैं और किस तरह से मुख्तफ सतहों पर काम हो रहा है जो एक नाकोटेक्स की एक वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में उसके ख़िलाफ़ इसके अलावा डी ए स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं आप किसी भी मौजू के पर आप डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी ऑफ योर प्रोड्यूसर आपका जो प्रोड्यूसर सेल्फ है इफ़ यू आर प्रोड्यूसर आप यकी तौर पे आप प्रोड्यूसर भी हैं आप का कोई और आ, जो एक स्टेटस है उसे भी इंजॉय कर रहे हैं तो आपका जो प्रोफेसन है इफ़ यू आर प्रोड्यूसर आप कितने उस हवाले से आप जरखेज़ हैं आप कितने इमेजनेटिव हैं आप कितने क्रिएटिव हैं और आप कितने इनोवेटिव हैं अगर आप में नई चीज़ें इखतरा नई चीज़ों का जो एक इख्तरा किया जाना है अगर ये फैकल्टी आप में बहुत अच्छी पाई जाती है आप एक्सपेरिमेंटल हैं आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं अपने फॉर्मट के साथ और इसके अलावा आप इनकोजटिव भी हैं आप लोगों तक नई नई जो इंफॉर्मेश रिगार्डिंग पीपल और रिगार्डिंग प्लेस और रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स एज आई टोल्ड यू आप उनके बारे में लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं आप किस तरह से एक डिफरेंट एंगल जो है सो तलाश करते हैं और उस एंगल पे आप मेहनत करते हैं और उस एंगल को आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री नाउ वी टर्न टू वर्ड्स प्रोडक्शन उसका सबसे पहले तो प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट लिखा जाएगा आपके जहन में एक आइडिया है यू डिसकस द आइडिया वो स्क्रप्ट राइटर और उसके बाद आप उसके जो मुख्तलफ़रतें हैं उस स्क्रिप्ट के हवाले से आप उन्हें जमा करेंगे मिसाल मैंने आपको दी है कि आप किसी पर्सनलिटी के हवाले से अगर आप डोमेंट्री बना रहे हैं तो उस पर्सनैलिटी के हवाले से आप जितने भी इंटरव्यूज़ कर सकते हैं आप वो लोगों के पास जाएँ और उन कॉन्टेक्ट करें और उनकी आवाज़ में उस शख्सियत के बारे में आप इंटरव्यूज करें उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करें और उसे आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं उसे आप अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाएं इसके अलावा द सेलेक्शन ऑफ नरेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाई एन लार्ज द सेम काइंड ऑफ क्वालिटीज मस्ट बी देयर इन अ नोरेटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री विच आई हैव टोल्ड यू वायर डिसकसिंग द क्वालिटीज ऑफ नोरेटर दैट इज टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ फ्यूचर डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट ड्यूमेंट्री वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फॉर्मट और इसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें और आप आ, अपने तौर के ऊपर आप कोशिश करें कि किसी भी मौजू पर आप एक स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करें कि आप ये सोचें कि आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है किसी भी शख्सियत के बारे में या किसी फूल के बारे में या आपकी जो मुआरे का कोई भी ऐसा टॉपिक आप समझ देंगे जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं आप कोशिश कीजिए कि एक स्क्रिप्ट लिखें डॉक्यूमेंट्री का उस शख्सियत के बारे में या उस जगह के बारे में या उस चीज़ के बारे में ये आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक और जो फॉर्मट है उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी टिल देन अल्लाह हाफिज़